हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज की क्लास में मोडल्स पर बेस्ड गैप फिलिंग विदाउट ऑप्शंस की सैम्पल क्वेश्चंस की हेल्प से प्रैक्टिस करेंगे सेशन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री से सीबीएसई ने गैप फिलिंग को सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस की फैसिलिटी को बंद कर दिया है अब विदाउट ऑप्शंस ही हमें गैप्स को फिल करना होगा गैप्स को विदाउट ऑप्शन कैसे फिल करेंगे विदाउट एनी डिले कल नहीं आज और अभी सीखेंगे मोडाल्स बोले तो अग्जलरीज वर्ब्स आई मीन टू से कैन कुड शैल शुड विल वुड मे मस्ट आदि से हमें गैप्स को फिल करना है क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं पहले आप गैप्स को फिल करेंगे आफ्टरवर्ड्स अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करेंगे ले सी टेन क्वेश्चन हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं एंड आई गिव यू टेन सेकेंड्स टू थिंक दस सेकेंड मिलेंगे आपको सोचने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज आई सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली मोडाल से फिल करना है रियली वेरी इजी क्वेश्चन डन मैचोर आंसर आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है सेकेंड वन यू टेल मी योर नेम प्लीज यस डू इट मैच्योर आंसर कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं या वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड या वुड का यूज करते हैं ही ड्रिंक इन द फंक्शन भैया फंक्शन है वह है तो ड्रिंक यस फिल किया नाउ मेच्योर आंसर ही विल ड्रिंक इन द फ्शन थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ नेचुरल हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है भाई उसकी हैबिट है कि फंक्शन में जाएगा तो पिएगा ही पिएगा गॉट इट नेक्स्ट वन वेन आई वॉज़ अ किड जब मैं एक छोटा बच्चा था आई प्ले विद माई डैड नाओ फिल द गैप येस डन ना मैचोर आंसर वेन आई वॉज अ किड आई वुड प्ले विद माई डैड पास्ट की हैबिट को इंडिकेट करने के लिए वुड का यूज किया जाता है इट हैपन टू एनी वन यस कैन कुड विल वुड शैल शुड यस विच वन डन मैचोर आंसर इट कैन हैपन टू एनी वन यह किसी के साथ भी हो सकता है सो पॉसिबल सर्कमटेंसेस को प्रेजेंट टेंस में शो करने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है क्वेश्चन सिक्स इट इज़ वेरी वेरी इजी ईजिएस्ट वन यू लिव लॉन्ग आई नो यू कैन डू इट वेरी सिंसियरली नाउ मैच योर आंसर मे यू लिव लॉन्ग विश को डिनोट करने के लिए आपकी आयु लंबी हो एक मेरी विश है इच्छा है आपके लिए तो यहाँ विश को डिनोट करने के लिए मेका यूज़ किया जाता है क्वेश्चन सेवन थोड़ा सा पज़लिंग है इजी नहीं है इसको फिल करना ओके सो डू इट वेरी सिंसियरली आई बाय अ टी शर्ट इफ़ आई हैड मनी हम्म ये मार्क्स तो मुझे मिलेगा रॉन्ग होने के चांसेस हैं मैच और आंसर ना हो आई कुड बाई आ टी शर्ट इफ़ आई हैड मनी कंडीशनल सेंटेंस है इफ़ का यूज़ हुआ है फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग पॉसिबल सर्कमटेंस को पास्ट में एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है यदि मेरे पास धन होता तब मैं एक टी शर्ट खरीद सकता था क्लियर पॉसिबल सर्कमटेंसेज यू कंसल्ट सम गुड डॉक्टर डू इट आल्सो देखिए सेंस लीजिए व्हाट्स हैपनिंग इन दिस सेंटेंस डन मैचर आंसर यू शुड कंसल्ट सम गुड डॉक्टर एडवाइस देने के लिए शुड का यूज किया जाता है लेकिन यह एडवाइस ऐसी होती है एम्फेसिस नहीं होता है मानो तो अच्छा है ना मानो एज यू विश अप टू यू क्वेश्चन नंबर नाइन शी वर्क हार टू क्वालिफाई जे डबल ई यस डू इट योर सेल्फ फर्स्ट डन मैचर आंसर शी मस्ट वर्क हार्ड टू क्वालिफाई जे डबल ई किसी को एम्फेसिस मतलब जोर देकर अगर हम कोई एडवाइस देते हैं कि उसे जे डबल ई क्वालिफाई करने के लिए कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए सो so, वहाँ हम अवश्य करने के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं क्वेश्चन टेन लास्ट क्वेश्चन आई अपीयर इन द आई ए एस एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर बहुत ईजी है येस yes? नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है थिंक री थिंक देन फिल इट आई थिंक यू हैव कम्प्लीटेड नाउ मैच्योर आंसर आई विल अपीयर इन द आई ए एस एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर भाई जब स्पीकर अपनी कोई इंटेंशन पूरा करने की विश रखता है इच्छा रखता है कि मुझे ये काम करना है करूँगा तब फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ किया जाता है आई द टाइम ऑफ होमवर्क सी आपने कितना सीखा हेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन यू गेट सक्सेस सेकेंड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट अपने आंसर मुझे कमेंट में सेंड करें वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स यदि आप टॉपिक टेंसेस और डेटामाइनस की विदाउट ऑप्शंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है क्लिक कर, कर देख सकते हैं नाव क्लास इज ओवर आई होप आपने क्लास को एन्जॉय किया होगा यदि क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही है तब इसे लाइक like करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं देन विद द बेल आइकन इसे सब्सक्राइब भी करें सो कीप ऑन लर्निंग कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विद अर्ली बर्ड्स क्लास गॉड ब्लेस यू ऑल